शक्ति दोनों बड़ी असीम है। गदा भीम ने जांग से तोड़ी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। गदा भीम ने जांग से तोड़ी, दुर्योधन ने सांसें तोड़ी। क्या रह सेना कौरव दल की, सप्त अक्षौणी पांडव दल की। एक अक्षौणी सेना का कितना प्रमाण होता है, आपके हाथ में जो पुस्तक है उसमें नीचे लिखा हुआ है। कितने हाथी होते हैं, कितने घोड़े होते हैं, कितने रथ होते हैं, कितने पैदल होते हैं, ये पूरा इसके अंदर उसकी लिखा गया है कि इसका परिमाण क्या है। अष्टादश सेना खटी, ग्यारह और सात अठारह, ग्यारह कौरवों की और सात पांडवों की, तो अठारह अक्षौणी सेना। अष्टादश सेना खटी, खपे सभी थे भी, मात्र आठ ही बचे रहे महाभारत। श्याम सदा भक्त हितकारी, सदा प्रेम वह श्याम बिहारी, मोर विलाल बड़ा बलकारी, कलयुग काहे भव नय हारी। अष्टादश हुआ महासमर, पांचों पांडव और भगवान कृष्ण। कृपाचार्य की शस्त्र से मृत्यु नहीं होनी थी, क्योंकि भगवान कृष्ण तो सैनिक थे ही नहीं, तो पहले कहते थे मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बाकी सब कुछ उठाऊंगा, तुम सब को उठा दूंगा, पहले शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आप एक काम कीजिए, भगवान कृष्ण का पूरा चरित्र हंसते हंसते है, भगवान राम का चरित्र मर्यादित है। लेकिन एक जगह भगवान कृष्ण को क्रोध आया और एक जगह भगवान राम को क्रोध आया। एक बार क्रोध आने की प्रतिभूति क्या हुई उसको देखिए। भगवान कृष्ण को क्रोध आया कि जब भीष्म ने कहा कि 10,000 सैनिक पांडव रोज मारूंगा, और जब शाम को क्रोध आया तो उन्होंने क्या किया, व्रत का पहिया निकाला। भीष्म ने क्या किया, हाथ छोड़ दिए। क्या हुआ, आपकी प्रतिज्ञा भूमि करनी थी, मैंने व्रत का पहिया निकाला, मुझे ऊपर देखिए कौन सा पहिया है, को थोड़ा सा नीचा देखना पड़ा ना। एक बार क्रोधित होने से इतने बड़े चरित्र में एक जगह भगवान कृष्ण क्रोधित हुए, उसका ये दर्द होना पड़ा। ऐसे भगवान राम को देखिए, भगवान राम ने कितने कष्ट पाए, कितने दुख झेले, इतने क्रोधित नहीं, एक जगह क्रोधित हो गए। जब उन्होंने धनुष, जब उन्होंने जाके समुद्र देव से कहा मुझे मार दो, और जब वो सामने प्रकट नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तो लक्ष्मण जी ने तुरंत बीच में कहा, गवारे शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकार। भैया ये दुष्ट है, ये ऐसा नहीं मानेगा, ये ताड़ना तो बिगड़ नहीं सुनने वाला है। और भगवान को क्रोध आया, उन्होंने अग्निबाण निकाला, समुद्र देव सामने बोले, प्रभु क्या कर रहे हैं, इतने जीव जंतु सब नष्ट हो गया, आप आदेश करिए प्रभु, तुम मुझे मार क्यों नहीं दे रहे हो, बोले आपके द्वारा निर्धारित है मेरी सीमा और मेरी मर्यादा तोड़ दूं क्या। भगवान धरती देख रहे, आप तो मर्यादा को स्वतंत्र स्वयं मत, प्रभु उसी मर्यादा में आपने मुझे बांधा है, तोड़ दो मेरी मर्यादा। अब
अभिप्राय वक्त तो ये है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी तो क्रोध के लिए ऐसा लिखा है कि क्रोध करने से आपको तीन प्रकार के रोग होते हैं। और धीरे से बता रहा हूं, और मैं रोग बताने का पैसा नहीं दूंगा, कोई लेबोरेटरी चार्ज नहीं दूंगा, बता रहा हूं समझ में आए, बिना पैसे का तो काम भी नहीं देने, उसके पास जाएगा वो बताएगा। क्रोध करने से आपको बीपी हाई होती है, करिएगा जरूर आशीर्वाद, ज्यादा क्रोध करिएगा, करेंगे ना। पहला क्या हुआ, बीपी हाई होती है। नंबर दो, शुगर बढ़ती है। नंबर तीन, हार्ट अटैक की चांसेस 100% हो जाती है। क्यों, मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से समझा रहा हूं, जो ही आप क्रोध करते हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन तेजी से भागता है, जब वो छक्का मारता है तो बीपी हाई होगा ही, और बीपी हाई छोड़िए ना, स्कंद पुराण तो है,
स्पिरिट प्राण के पांच अध्याय में 345 श्लोक की कथा है हमारे श्याम भक्त, और ये दोनों क्रम के जो मैंने आपको बताया है दोनों क्रम, तो हम सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन हमारे ग्रंथों को पढ़ना चल रही है, जबकि इतनी सरलता आ चुकी है कि अब तो आपके मोबाइल पर उपलब्ध है, आप स्क्रिप्ट पढ़ डालिए, स्क्रिप्ट पढ़ा जाए उसके अंदर एक एक पेज बड़ी कभी कभी आपको देखिए कितने ज्ञान का अर्जन होगा, कितना आप जानेंगे भारत के बारे में। 1200 साल तक तो भारत को लूटा विदेशियों ने, 70 साल से लूट रहे देशियों ने, और हम कोई ध्यान नहीं दे रहे, हमें अपने ग्रंथों से ही पता लगेगा कि हमारा वजूद क्या है। तो जब अर्जुन के द्वारा कर्ण को मरवाया तो कहीं ना कहीं पीड़ा हुई है इस कवि को, उसने लिखा कहे युधिष्ठिर कृष्ण चंद्र से मिली विजय हमें आप चरण से। जब आग बचे तो धर्मराज ने भगवान कृष्ण से कहा कि ये जो विजय श्री ने प्राप्त हुई आपके चरणों की देन है, वरना कुल मेरा खप जाता रण दिन दो में ही हो जाता, क्या बिसात थी वहां हमारी वहां थे योद्धा अति बलकारी, प्रेम आपका निज हमसे है इसीलिए सभी कष्ट सहे हैं। तभी भीम बोला अकुला कर धाता भाषण करिए संभल कर, भीम बड़ा गंभीर था सुन के भ्रात की बात, उक्ति उसको जची नहीं लाल हो गए। जब युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान कृष्ण आपकी कृपा से ही हम विजयी हुए हैं, ये बात भीमसेन को पची नहीं, तो भीमसेन ने कहा भीम कहे हम समझ रहे हैं मिथ्या आप सब कह रहे हैं, झूठी प्रशंसा क्यों करते हैं श्रेय कृष्ण को क्यों देते हैं, मेरी गदा और बाहुबल ने योद्धा मारे शत्रु दल के। तुम लोग पेमेंट लिए हो क्या बोली थी जब अकेला हूं पेमेंट लगे तो उतर दे। अर्जुन ने मेरी गदा और बाहुबल ने योद्धा मारे शत्रु दल के, बिना हमारे युद्ध आप क्या जीत ने पाता, अर्जुन ने बात बताई मजरे भैया ऐसा नहीं है, जो बड़े भैया कह रहे हैं वही सत्य है, क्योंकि तुम तो हर जगह नहीं गए लेकिन मुझे तो भगवान श्री कृष्ण ने और हर कोने में घुमाया है इस महाभारत युद्ध के क्षेत्र में, तो मैं तो कुछ इतना ही कह सकता हूं कि बिना भगवान कृष्ण के अपना गुजारा ना होता। और मैंने वहां क्या देखा है, एक बार युद्ध में मानव एक द्वैरूपा नारायण एक रुद्र स्वरूपा। अर्जुन ने कहा कि मैंने युद्ध में एक विलक्षण चीज देखी जो मैं बताना चाहता हूं भीमसेन, एक ऐसा मानव मैंने देखा जो दो रूप में था, आधे रूप में शिव रूप था और आधे में विष्णु रूप था, और वो क्या कर रहे थे, रुद्र रूप संहारता शत्रु सेना जा। जो दाहिने तरफ का रुद्र रूप था वो हमारे शत्रुओं को मार रहा था, और नारायण संहारता पांडव सेना, मुझे नारायण स्वरूप
जगह की सुरक्षा कर रहा था। ऐसा मैंने एक बात द्रोह का मानव देखा था। तो तुम नहीं जानते हो भीम से ये सब कृपा तो खुशी की थी। श्याम सदा भक्त कृष्ण की है, हमें कृष्ण के चरणों में नमन करना चाहिए। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण नहीं है कृष्ण नहीं है भक्तो, कृष्ण नाम लेने में भी दिक्कत होती है, खड़े होते हैं तब भी दिक्कत होती है उनको, हर जगह से टेढ़े ही टेढ़े हैं, लेकिन बड़े सीधे हैं। तो नाम भी वैसा टेढ़ा है, थोड़ा जोर लगा के रखना पड़ेगा। नेत्र बंद करके उन्होंने अपनी शीश झुकाने का उनके सामने
ने क्रिया किया कि श्री श्याम भरम को मिटाओ सत्य समर का हाल सुनाओ। अर्जुन ने कहा हे श्याम ये युद्ध के लिए क्या सत्य तुमने देखा है वो बताओ ना। लड़ा कौन और कौन है जीता भीम कहे सब मैं ही जीता। भीमसेन जो है ये कहता कि मैं ही जीता। श्यामदेव ने कहा कि मैं सभी को प्रणाम करता हूं और क्षमा याचना करता हूं क्योंकि मेरी जो यहां नियुक्ति हुई वो न्यायाधीश के रूप में और जब मैं न्याय का निर्णय सुनाऊंगा तो मेरे न्याय के तराजू में रिश्ते अगर तुले तो अन्याय हो जाए। इसलिए सभी से क्षमा मांगता हूं कि अगर किसी का विरोध मेरे इस निर्णय से हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दे क्योंकि मैं यहां पौत्र रूप में नहीं हूं मैं उस श्याम रूप में हूं जिसके निर्णायक रूप में नियुक्त। तो सत्य बात तो यह है कि भीमसेन जी कितने बड़े योद्धा हैं इनको मैंने देखा और मैंने इन धर्मावलंबियों के सारे आचरण को देखा है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किया है कि पांडव और जो पांडवों के पक्ष में लड़ रहे थे वो सिर्फ धर्म युद्ध लड़ रहे थे। मैंने तो कुछ और देखा है मैंने ये देखा है कि जिनको अधर्मी घोषित किया गया वो सब धर्म पूर्व युद्ध कर रहे थे और जिन्हें धर्मी कहा गया ये सब के सब अधर्म युद्ध कर रहे। भीमसेन जी जिस वक्त आप प्राण बचा के मरे हुए हाथियों के आड़ में पड़े हुए थे दुर्योधन वहां गया अपनी प्रत्यक्षा में बात खींच के आपको देखने आया अगर वो चाहता तो वही मार डालता। क्या कहा नहीं निहत्ता है और भूमि पर है इस वक्त मैं शत्रु को नहीं मालूम उस वक्त आपको नहीं समझ आया था क्या। और फिर जब आपका गदा युद्ध हुआ तो मेरे गुरुदेव ने जान पर हाथ मार मार के कहा मजले भैया मजले भैया और मजले भैया ने जान पर मारी गदा जो गदा युद्ध में वर्जित है। लेकिन भगवान ही जब ये कह दिए कि प्रेम में और युद्ध में सब ठीक है ये नया फार्मूला दिया उन्होंने वो आज गड़बड़ कर रहा है फार्मूला वहां भी गड़बड़ किया आपने गड़बड़ कर तो भगवान ने नया फार्मूला दे दिया बोले युद्ध और प्रेम में सब जाएगा। अरे कहिए बातें भाई तो बोल दे लेकिन बात तो मान ली सर ना बस ठीक है कोई सी भाषा बोलने से बात तो मान ली पड़ेगी। तो परमजी जी ने कहा नहीं अब तो श्याम बाबा है श्याम बाबा ने कहा कि मत कहवाइए वो सब मैं कहना नहीं चाहता बस सत्य इतना ही है कितना है सारांश की बात एक ही जीते हैं बस कृष्ण देव ही चला नहीं किसी वीर का कोई शस्त्र वहां